लीव एवरीथिंग और सबसे पहले ये पता लगाओ कि मॉन्टी के जेल से रिहा होने के पीछे कौन है एंड लेट मी नो इमीडिएटली ओके मैम वो तो पता चल चुका है पता नहीं आप कुछ पे विश्वास करेंगी कि नहीं वो और कोई नहीं अंबिका रायचंद मैम क्या बकवास कर रहे हो तुम्हें कीप अंबिका आउट ऑफ दिस वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है मुझसे बिना पूछे वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगी मैम मैं जानता था कि आप मुझ पर यकीन नहीं करेंगी लेकिन मॉन्टी के गारंटी पेपर्स हैं मेरे पास और उनमें अंबिका के सिग्नेचर्स हैं आप चाहो तो मैं आपको भेज सकता हूँ मैम या अंबिका ऐसे कैसे कर सकती है मुझसे उसने कुछ कहा भी नहीं आई हैव टू टॉक टू हर द नंबर यू आर ट्राइंग टू कॉल इज करंटली नॉट रीचेबल इसका फोन भी रीचेबल नहीं है ये सब चल क्या रहा है मेरे पीठ के पीछे अंबिका ने मुझसे बात भी नहीं की और कुछ कभी मोटी वापस आ गया है ओ मोंटी आ गया तू ओ रब द लास्ट लास्ट शुक्र है वो पता जब से तू गया ना गले से नवाला नहीं उतरा है मेरे मम्मी जी मैं सुबह तो चने भटूरे खाए थे माँ जा भाई मिल मेरा बच्चा आप कैसे हैं माँ मेरा बच्चा तो ठीक है आंटी मेरी तो जान ही निकल गई थी तो ठीक है ना बेटा जी माँ तू जानता है ना तुझे कुछ होता है तो मेरा जी भर आता है तू मुझसे एक वादा कर अब से कोई काम मत करना जिससे तुझे मुझसे दूर जाना पड़ा मेरे बच्चे प्रॉमिस करता हूँ आज के बाद मैं आपको छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा कहीं नहीं जाऊंगा मैम थैंक्स अ लॉट मैम आपने मेरे लिए इतना कुछ किया तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू मेरी इजाजत के बिना तुम जेल से बाहर निकले कैसे तुम्हें जरा सा भी अंदाजा है कि कितना बड़ा ब्लंडर किया है तुमने या ये सब कुछ जानबूझकर किया है तुमने यहाँ अखबारों में मेरे खिलाफ नेगेटिव पब्लिसिटी हो रही है ऐसे वक्त में तुम्हारा जेल से बाहर निकलना डू यू नो व्हाट दैट हैज़ टू बी डू यू नो नो क्यों किया तुमने ऐसा जवाब तो वरना मैं तुम्हें मॉन्टी के ऊपर हाथ उठाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई तुम समझ नहीं रहे हो रवि ये हमारे खिलाफ जाकर दुश्मनों के साथ हाथ मिला चुका है धोखा दे रहा है ये हमें और तुम नहीं जानते अंबिका इसे बहका रही है मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि अंबिका से रिहा करने गई क्यों इसका मतलब सबसे बड़ी धोखेबाज तुम And what you think of yourself? Huh? समझते क्या हो तुम अपने आपको कि तुम बहुत ज्यादा समझदार हो अंबिका से सब कुछ करने के लिए मैंने कहा था जब आपसे कुछ भी नहीं हुआ तो मैं क्या करता मैं इसलिए अंबिका के पास मैं गया था हेल्प मांगने के लिए मैंने कहा था मैंने रिक्वेस्ट की थी उससे क्योंकि मैं अपने भाई को तकलीफ में नहीं देख सकता मैं अपनी चाची को रोते हुए नहीं देख सकता इसलिए मैंने अंबिका से रिक्वेस्ट की हाथ छोड़कर आप क्यों समझेंगे आपके लिए रिश्ते नाते कुछ भी मायने नहीं रखता आपके लिए अपना स्टेटस अपनी रेपुटेशन बस यही मायने रखती है राइट लेकिन मेरे लिए मेरा परिवार बहुत सारा मायने रखता है बहुत सारा और इस बात को आप याद रखना आज के बाद अगर आपने मेरे परिवार के साथ कुछ भी गलत किया आई विल नॉट स्पेयर यू मैं भूल जाऊंगा कि तुम क्या हो और कौन हो यू अंडरस्टैंड यू बेटर अंडरस्टैंड ये सब क्या हो रहा है जिस रवि से मैं नफरत करता हूं वो मुझसे इतना प्यार करता है मेरी साइड ले रहा है अपनी जॉब अपना करियर दाव पे लगा रहा है मेरी खातिर और दूसरी तरफ मिस लूथरा जिनकी गुलामी करता रहा मैं यहाँ तक कि उनकी खातिर जेल भी चला गया उन्होंने मुझे सबके सामने थप्पड़ मारा मुझ पे शक किया मुझे गद्दार कहा I'm so sorry, रवि I'm so sorry, मुझे ये सब नहीं पता था really very sorry, रवि प्लीज मुझे माफ कर दो रवि मॉन्टी से भी माफी मांगती रवि मॉन्टी तो मुझे थप्पड़ मारो प्लीज मारो मुझे थप्पड़ मारो मुझे मॉन्टी मारो सॉरी मॉन्टी रवि प्लीज मुझे माफ कर दो रवि तुमने बिल्कुल सही कहा रवि फैमिली को हमेशा अपनी प्रायोरिटी बनाना चाहिए बिकॉज फैमिली इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट रवि मैं ये बात हमेशा याद रखूंगी रवि आज के बाद मैं हमेशा फैमिली के बारे में पहले सोचूंगी रवि आई प्रोमिस यू रवि आई एम सो सॉरी तुम कहो
तो रवि मैं इस परिवार में सबकी मुश्किलें अपने सर पर ले लूंगी। आई स्वेयर मोंटी पर कोई आज भी आए ना तो सबसे पहले उसे मैं अपने सर पर ले लूंगी। अचानक इन्होंने अपनी बात ही पलट दी। अच्छा हुआ आप लोग यहाँ आ गए। सबसे पहली बात, मोंटी गरेवाल को जेल से मैंने छुड़वाया है, और दूसरी बात, मेरी कंपनी का कोई दुश्मन है जो मेरे खिलाफ झूठी खबर अखबार में छपवा रहा है। I just wanted to clarify that. हम आपसे ये बात करने नहीं आए मिस लूथरा। आप हमें ये बताइए कि क्या आपका घर सच में नीलाम हो रहा है? ये सब झूठ है। What nonsense is this? ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। किसने फैलाई ये खबर? This is utter rubbish. कमाल है, क्या आपको इतना भी नहीं पता कि अंबाले में बैंक आपका दोनों घर नीलाम कर रही है क्योंकि आपने उनके लोन का पेमेंट टाइम पे नहीं किया है। आपको नोटिस भी नहीं आया इस बात का? Exactly, Miss Luthra. बैंक इस एक्शन पे आपका क्या रिएक्शन है? अब आप क्या करेंगी, कहाँ जाएंगी? यहाँ तो आपको ऑफिस में रहना पड़ेगा, नहीं तो आप तो सड़क पर आ जाएंगी क्योंकि होटल के बिल्स भरने के तो पैसे होंगे नहीं आपके पास मिस लूथरा। कोई भी खबर मिलती है और आप लोग उसे कंफर्म किए बिना कूदने लगते हैं। सिर्फ सेंसेशनल न्यूज बनाने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे आप? कुरियर मैडम, देखिए ये वही नोटिस है जो बैंक ने भेजा है इनको। जवाब दीजिए मैडम। अब तो आपको यकीन हो गया ना मैडम, बताइए सच क्या? इतना सब हो जाने के बाद आप अपनी कंपनी को कैसे बचा सकती है मिस लूथरा? वाह जी वाह, मेरा तो आज बल्ले बल्ले करके नाचने का मन कर रहा है। नहीं आपको निकलो यहाँ से। तो देखा आप लोगों ने किस तरह मिस निवेदिता लूथरा हो गई है अपना घर बिक जाने की खबर में। एकदम गहरा झटका लगा है उनको, अपना मानसिक संतुलन तक खो बैठी है वो। आप देख रहे हैं किस तरह से वो तोड़फोड़ कर रही है। ये है हमारी ब्रेकिंग न्यूज मिस निवेदिता लूथरा की। इतना ही नहीं, हम सबको धक्के मार के बाहर निकाला है, हमारे ऊपर हाथ उठाया है, हमारे कैमरे तोड़े हैं, हमारे माइक्स तोड़े हैं। क्या वजह हो सकती है? एक बिजनेसवुमन आज गुंडागर्दी पे उतर आई है। हम मीडिया वाले सिर्फ उनका इंटरव्यू लेने आए थे और हमारे साथ ऐसी बदतमीजी, ऐसी बदसलूकी की है उन्होंने। हम बिच्छू बैठने वाले नहीं है। मीडिया इज पावर ऑफ दिस नेशन। ईंट का जवाब हम पत्थर से देंगे। शिट बेबी, अब तो ये घर भी बिक जाएगा, तो हम कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे? हम तो बर्बाद ही हो गए भाई। सही कह रही हो मम्मी जी। अरे चाची, ये तो बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। वो लोग तो कह रहे थे कि इसके पास तो होटल के भी पैसे नहीं है। क्या बात कर रही? मुझे तो पहले से ही डर था कि ऐसे कुछ होगा। माँ को कहाँ लेकर जाऊंगा? अब जब कंपनी नहीं रहेगी तो मेरी जॉब भी नहीं बचेगी। सब क्या हो गया आप लोगों को? What is wrong with everybody? ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मुझसे मेरा घर कोई नहीं छीन सकता, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। क्या नोटिस? ये नोटिस या कोई कागज का टुकड़ा मुझसे मेरा घर नहीं छीन सकता। निवेदिता लूथरा हूं मैं किसी चीज से नहीं डरती। कोई भी तूफान आ जाए मुझे नहीं हिला सकता। यू अंडरस्टैंड दैट?